व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपको हमारे न्यू वीडियो पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरा हेयर केयर रूटीन के बारे में। एक्चुअली जब से मैंने मतलब आगे के बाल को लंबा करना चालू किया है, तब से मतलब मेरे को ये कमेंट आ रहा था मेरा हेयर केयर के रूटीन के बारे में वीडियो बनाओ, बहुत कुछ सके। तो आज के वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे। एक्चुअली मैं मेरे बाल पे उतना फैंसी चीज़ कोई भी नहीं लगाता हूँ, कोई भी मतलब क्या बोलते हैं फैंसी चीज़ नहीं है। जस्ट हमारे घर पे एक हेयर ट्रिमर है, ओके, उसको हम हफ्ते में एक बार, अराउंड दो हफ्ते में एक बार हम बाल करते रहते हैं। उसके ऐसे थोड़ा शार्प लुक आता है, बट अभी आप लोग इधर मेरे इधर के बाल देख सकते हो, ये तो अभी थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने फिलहाल सोच रहा था मैं इधर के बाल को भी बड़ा करूँगा, उसके बाद सबको एक मुनास करके इधर एक बॉल बनाऊँगा। बट अभी सोचा फिर से मेरा बाल थोड़ा घना है, थोड़ा ठीक है, इसके बाद से थोड़ा मोटा होगा। इसके बाद से मैंने क्या किया, मतलब नहीं किया है, आज के वीडियो में हम इसको भी कट करेंगे। अगर आप लोग भी इधर साइड का बाल कट करोगे तो थोड़ा शार्प लुक आएगा, आप लोग भी कट करते रहो, ओके। एंड वो तो हुआ बाल कटिंग के बारे में। एंड उसके बाद मैं नहाने टाइम पे कोई भी इतना फैंसी शैम्पू एंड बहुत कुछ नहीं यूज़ करता हूँ, सिंपली कोई शैम्पू साबुन जो भी मिलता है मैं वही लगाता हूँ, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बाद नहाने के बाद थोड़ा बाल सूखने के बाद थोड़ा कुछ हेयर पे लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ मैं आपको बताऊंगा, मैं ऑयल यूज़ नहीं करता हूँ, ओके। तो वही हो गया। तो अभी पहले हम चल के हमारा बाल कटिंग, उसके बाद और के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमको ट्रेनिंग भी करना है, खाना है, बहुत कुछ करना है। तो ये तो सिंपली एक वीडियो था, वही दिखाना था आपको। तो चलते हैं इधर के बाल कट करते गाइस। हमारा हेयर कट डन हो चुका है, इधर आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का हुआ है अभी हमारा हेयर कट, थोड़ा स्लोप टाइप में, थोड़ा फेडेड। सो गाइस अभी हम नहाएंगे एंड मेरे पास इधर एक शैम्पू है जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर्स। एक्चुअली अभी दो तीन महीने से मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे को ये कुछ भी नहीं होता है कि मतलब मेरे को यही यूज़ करना है, ये कुछ भी इस टाइप का नहीं होता है। मेरे को जो मिलता है मैं उसी से नहाता हूँ, अभी ये था तो इससे नहा रहा हूँ मैं। एंड अगर ये नहीं होता है तो कभी कभी साबुन से भी नहाता हूँ, जिससे अच्छा वाला सेंट आता है मैं उसी से नहाता हूँ, ओके। तो उतना फैंसी नहीं है कि मतलब मेरे को चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होता है, ओके। तो इससे अभी मैं नहाऊँगा, नहाने टाइम में अराउंड दो टाइम इसको यूज़ करता हूँ, मतलब पहले एक बार इसको यूज़ करता हूँ, उसके बाद पानी डालने मतलब नहाने के बाद फिर से एक बार इसको यूज़ करता हूँ, उसके बाद अच्छा वाला सेंट मतलब इसमें लाता है। तो अभी हम नहाएंगे, आप लोग देखो। सो गाइस नहाने के बाद मेरा बाल अभी थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो अभी हम इधर क्या लगाएंगे, हेयर सीरम लगाएंगे। एक्चुअली मतलब मैं दो तीन साल से ऑयल यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑयल में थोड़ा चिपचिपा ज़्यादा होता है, उसके वजह से डस्ट ज़्यादा आकर्षित होता है मतलब बाल पे, उसके वजह से थोड़ा बाल अजीब टाइप का एंड थोड़ा थिक होता है। उसके वजह से मैं कुछ इस टाइप का सीरम यूज़ करता हूँ, कोई भी स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है, एक नंबर देखो, सिर्फ इसका नाम हेयर सीरम है। इसको कुछ इस टाइप से इधर डालना होता है हमको, उसके बाद तो कुछ स्टेप से हमको लगाना होता है इधर। इधर आप लोग देख सकते हो ज़्यादा ही साइन आ चुका है एंड ये दिन भर कुछ स्टेप से ही रहेगा, साइन देगा बाल पे एंड थोड़ा सिल्की फील होगा।
अब थोड़ा पोजिंग करने का मेरा मन नहीं करता है। हेलो, सो गाइस ये तो हुआ हमारा हेयर केयर रूटीन के बारे में वीडियो। अभी आप लोग देख सकते हो मेरा बाल पहले से थोड़ा अच्छा हो चुका है एंड मैं कुछ इस टाइप से करता हूँ डेली मॉर्निंग को। ओके, तो मैं अगर घर पे ही बैठ रहा होता हूँ तो कुछ इस टाइप से बैठता हूँ, मतलब इस टाइप से लगाता हूँ एंड हेलमेट लगाता हूँ तो तब भी इस टाइप से कुछ करता हूँ। बट अगर किधर जाता हूँ मतलब एंड कभी कभी फिर से एलेवेंटी यूज़ करता हूँ कुछ इस टाइप से। आजकल ज़्यादा ही लंबा होता है तो एक बार बांधने से थोड़ा अजीब दिखता है, तो मेरे को दो बार इस टाइप से बांधना पड़ता है एंड तब भी थोड़ा अजीब दिखता है क्योंकि ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। एक्चुअली मैं अभी इसको बड़ा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा इधर बॉल बनाऊँगा, इसको गोल 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 घुमा के इधर एक बॉल बनाऊँगा बाइसेप जैसा। तो अभी हम ट्रेनिंग करेंगे डाइट खा के आगे, मैं अभी आपको ट्रेनिंग भी मिलता हूँ।